बीजेपी में बड़ा बदलाव, गडकरी और शिवराज सिंह को संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। येदियुरप्पा सोनोवाल को मिली जगह, 15 सदस्य चुनाव समिति का भी ऐलान। रोहिंग्या को फ्लैट देने वाले ट्वीट पर फंसे हरदीप पुरी, वीएचपी आरएसएस के कई नेता नाराज, एमएचए की सफाई। दिल्ली सरकार ने दिया था प्रस्ताव, ऐसी कोई योजना को मंजूरी नहीं। मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, किसानों को 3 लाख तक के कृषि ऋण पर 1.5% की ब्याज छूट को मंजूरी। क्रेडिट गारंटी 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर की 5 लाख करोड़। भाजपा के अभेद गढ़ गुजरात में, गहलोत की एंट्री, वडोदरा और अहमदाबाद में ली कांग्रेस नेताओं की बैठक, बोले गुजरात में कांग्रेस बना रही है सरकार। 2024 चुनाव से पहले केजरीवाल का भारत को नंबर एक का दाव, कहा नेताओं से सिर्फ घर भरा, देश का सवाल हम क्यों रहे पीछे, तो बीजेपी का पलटवार, केजरीवाल को देश की चिंता नहीं। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का फूटा गुस्सा, टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर प्रदर्शन, शोपियां में सुनील कुमार की हुई थी हत्या, आतंकियों ने सेब के बाग में जाकर मारी थी गोली। विवादों में घिरे कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर बीजेपी हमलावर, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले बिहार के कानून मंत्री खुद अपहरण के मामले में आरोपी नीतीश कुमार का बयान, मुझे जानकारी ही नहीं। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका, कैंपेन कमेटी चीफ का पद ठुकराया, सूत्रों का दावा इस्तीफा सिर्फ दबाव बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में फीफा मामले पर हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि फीफा से AIFFF का बैन हटवाए, अंडर-17 वर्ल्ड कप का आयोजन सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। तमिलनाडु के पूर्व सीएम ई पलानी स्वामी को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने पलानी स्वामी की AIADMK के महासचिव के तौर पर नियुक्ति को अयोग्य ठहराया। पलानी स्वामी को पिछले महीने ही अंतरिम महासचिव का पद दिया गया था। आईटीबीपी जवानों के शव को एलजी मनोज सिन्हा ने दिया कंधा, श्रीनगर में मनोज सिन्हा को विदाई दी गई, 100 फीट गहरी खाई में गिर गई थी जवानों की बस। जम्मू के सिधरा में घर में संदिग्ध अवस्था में 6 शव मिले, मृतकों में एक महिला, 2 बेटियां और 2 रिश्तेदार शामिल, मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब में जालंधर पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुलराल को मिली जान से मारने की धमकी, विधायक ने थाने में दर्ज करवाया मामला, फिलहाल पुलिस ने विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे स्टालिन ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। महाराष्ट्र के भंडारा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। खतरे के निशान के ऊपर पहुंची दिल्ली की यमुना नदी, हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर 204.84 मीटर पहुंचा, निचले इलाकों से करीब 7,000 लोगों को निकाला गया। मुंबई में डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू का कहर, पिछले 7 महीनों में स्वाइन फ्लू के 1,449 मामले सामने आए, 43 लोगों की जान गई, हर दिन स्वाइन फ्लू और डेंगू के 6 से 9 मामले दर्ज किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,062 नए मामले, 15,220 मरीज ठीक भी हुए, कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1,05,058 हो गई है, वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 2.49% हुई। चीनी राजदूत ने एक बार फिर ब्रिटेन को चेतावनी दी, चेतावनी देते कहा कि रेड लाइन क्रॉस की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जयपुर में आग से जली महिला ने एसएमएस अस्पताल में तोड़ा दम, पुलिस को दिए बयान में महिला ने पड़ोसियों पर लगाया था आग लगाने का आरोप, तफ्तीश में जुटी है पुलिस। राजसमंद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, वरिष्ठ सहायक 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, पेंशन प्रकरण को ऑनलाइन करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। प्रदेश में मॉनसून की मेहरबानी जारी, जालौर बाड़मेर टोंक में झमाझम बारिश, तो बीसलपुर बांध में 12 घंटे में आया 10 सेंटीमीटर पानी। अजमेर के रूपनगढ़ में जालौर की घटना को लेकर दलित समाज ने जताया आक्रोश, एसडीएम को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, वहीं दोषी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। टोंक के पीपलू में तहसीलदार कार्यालय भवन हुआ क्षतिग्रस्त, बारिश के चलते कार्यालय की दीवार गिरी, वहीं ऑफिस में बारिश के चलते फैला करंट, गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। दौसा के सिकराय में हाई टेंशन लाइन से फैला करंट, भैंस की करंट की चपेट में आने से हुई मौत, ग्रामीणों ने बिजली निगम अधिकारियों को दी सूचना, सरपंच उमेद सिंह बसवाल ने घटना का जायजा लिया। सिरोही के आबू रोड बगेरी बांध में बाहर युवक, स्थानीय लोगों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाल लिया गया, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में।
जालौर घटना को लेकर सर समाज ने निकाली आक्रोश रैली, वहीं राज्य सरकार से कड़ी कार्रवाई करने और साथ ही परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की। अलवर में व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। बारा के अंता में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की, देशी कट्टे और दो कारतूस के साथ दो युवक गिरफ्तार किए, साथ ही आरोपियों के पास से बिना नंबर की बाइक भी जब्त की। सीकर में दलित समाज ने निकाली आक्रोश रैली, राजकीय माधव उच्च प्राथमिक स्कूल को मर्ज करने पर जताया विरोध, संघर्ष समिति ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, विद्यालय को बंद न करने की मांग की। नागौर जिले में चार लोगों को भारतीय नागरिकता मिली, कर्मा, गुड्डी, नरेश, अजय पुत्र अर्जुन को भारतीय नागरिकता मिली है। चारों पाक नागरिकों ने भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। ब्यावर के सेंद्रा रोड स्थित शिव मंदिर पर जन्माष्टमी पर मेले का आयोजन, शिव मंदिर के महंत द्वारिका गिरी ने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण मेला नहीं भर पा रहा था। अजमेर के ब्यावर में विधायक शंकर सिंह रावत ने भाजपा पार्षदों के संग नगर परिषद आयुक्त रंजीत सिंह गोदारा से मुलाकात की, अतिक्रमण, बिगड़ती साफ सफाई व्यवस्था, शहर में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट समेत कई मुद्दों को सामने रखा। जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से जन्माष्टमी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जन्माष्टमी कार्यक्रम की तैयारी जोरों से चल रही है, स्थापना दिवस पर युवाओं की ओर से खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। अलवर में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, पुलिस थाने के 100 मीटर की दूरी पर चोरी की वारदात, बोलेरो गाड़ी को अज्ञात चोर लेकर रात को फरार हो गए। अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एडीएम सिटी ओम प्रकाश सहारनपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जालौर मामले को लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन भी किया और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। अलवर टीबी हॉस्पिटल में निक्षत संबल योजना के तहत 20 टीबी रोगियों को पोषाहार वितरित किया गया, जिसमें 10 पोषाहार की किट दानदाताओं ने बांटी। रामदेवरा के लिए रवाना हुई 16वीं पदयात्रा, 251 फीट लंबी ध्वजा के साथ ब्यावर पहुंची, पदयात्रा की ब्यावर पहुंचने पर कुल मांगलियान में भव्य स्वागत किया गया। सीकर में विश्व मानवता दिवस पर महिलाओं के सामाजिक सुधार के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे, एक ख्वाहिश एजुकेशन फाउंडेशन करेगा इस कार्यक्रम का आयोजन, 501 महिलाओं को दी जाएगी निःशुल्क सिलाई मशीन, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े भाग लेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद गांधी सागर बांध से चंबल पर बंधे चारों बांधों में पानी की आवक है, लगातार बांधों से निकासी की जा रही है। समदड़ी क्षेत्र के जेठंतरी गांव से 13वीं बार रामदेवरा पैदल यात्रा बालाजी ग्रुप जेठंतरी संघ रवाना हुई, संघ संचालक और बालाजी ग्रुप अध्यक्ष राजेश भाटी नेतृत्व कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में कड़ी सेना की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर महाराणा प्रताप पर अभद्र टिप्पणी का आरोप, कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में रावण को गिरफ्तार करने की मांग की। जालौर के सायला में छात्र की मौत का मामला, भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर पहुंचे पीड़ित के घर, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। जयपुर के चौमू में हादसों को न्योता दे रही टूटी सड़क, बारिश के दिनों में आए दिन हो रहे हैं सड़क हादसे, टूटी सड़कों को लेकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग की। अजमेर के विजयनगर में पुलिस ने गोवंश परिवहन करते हुए दरअसल युवक को गिरफ्तार किया, पिकअप में अवैध गोवंश भरा हुआ था जो मध्य प्रदेश में कत्ल खाने भेजा जा रहा था। जालौर मामले को लेकर अजमेर के विजयनगर में अंबेडकर वेलफेयर सोसायटी समेत कई संगठनों ने विरोध जताया, सीएम के नाम ज्ञापन तहसीलदार विजयनगर को सौंपा गया। बूंदी के तालेड़ा उखंड क्षेत्र के सरपंच के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया, थनेश्वर के सरपंच सत्यनारायण खट्टी के खिलाफ केस दर्ज किया गया, दरअसल 3 संतान होने के बावजूद 2 संतान का शपथ पत्र दिया गया था। सिरोही के शिवगंज में जोला के पास सुकड़ी नदी पर पिकअप वियर बनाने की सालों की मांग पूरी हुई, पहली बार पिकअप वियर में पानी आया, विधायक संयम लोढ़ा ने पिकअप वियर का निरीक्षण किया। जालौर मामले को लेकर बारा में मेघवाल समाज ने प्रदर्शन किया, सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने शहर में बाइक रैली निकाली, कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर घटना को लेकर रोष जताया गया। कोटा की उद्योगनगर थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। बौली के बामनवास में पंचायत समिति रोड पर कीचड़ और जल भराव से आमजन परेशान हो गए, एबीवीपी नेता मनीष कुमार ने बताया कि विरोध प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने के बाद भी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। डीडवाना के नवरंगपुरा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए जमीन की दान, दुदोली गांव निवासी हीरा देवी ने 3000 वर्ग फीट जमीन दान की। नीमका थाना के गोविंदपुरा में रात्रि चौपाल में एडीएम अनिल महला ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए, इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। उदयपुर के गोगुंदा में रोडवेज बस पर पहाड़ से गिरी
चट्टान गिर गई है। हाईवे पर हुए हादसे के दौरान बस में करीब 40 से ज्यादा सवारियां मौजूद थी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस और ग्रामीणों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जैसलमेर के भड़ियाना में सवारियों से भरी बस अनियंत्रित हो गई। कच्चे रास्ते में पानी भरा होने की वजह से बस अनियंत्रित हो गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बस सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। जालौर के जसवंतपुरा में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जसवंतपुरा सुंदा माता मार्ग अवरुद्ध होने से श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। जैसलमेर के फलसुण में बारिश का दौर जारी। लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। तालाबों में पानी की अच्छी आवक। वहीं सड़कों पर भरा पानी। शहर के मुख्य चौराहों पर बारिश का पानी जमा होने से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी। बीते 24 घंटों में अरनौद में सबसे ज्यादा 173 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले के आधा दर्जन से ज्यादा बांध भी ओवरफ्लो हो गए। बाढ़ का भी हाई अलर्ट जारी है। उदयपुर के सलूम्बर में सरणी नदी में बहे व्यक्ति का शव मिला। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। पैर फिसलने के कारण व्यक्ति सरणी नदी में बह गया था। राजसमंद में लगातार हो रही बारिश के चलते बनास नदी में जलस्तर बढ़ गया। झमाझम बारिश के बाद बाघेरी नाका बांध पर 2 फीट चादर चल रही है। जिला प्रशासन ने आमजन से सतर्कता बरतने की अपील की। अजमेर के ब्यावर में चोरों ने घर से 2000 रुपए की नकदी समेत अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक को कमरे में बंद कर चोरी को अंजाम दिया। पीड़ित ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। जांच में जुटी है पुलिस। 12 के अंत में लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर टीकाकरण शुरू। गोपालन मंत्री प्रमोद जनभाया के निर्देश पर टीकाकरण शुरू हुआ। लगभग 1000 गायों को टीका लगाया गया। जालौर में सरकारी स्कूल वोढ़ा में शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों के रिक्त पद भरने की छात्रों की मांग है। नागौर के जाल में दलित बच्चे की हत्या के बाद सर समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया। उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की गई। बांसवाड़ा के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के रियाणा और जोलाना में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 2 दिन में 5 गायों की मौत हो गई। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने गौशालाओं के संचालकों की बैठक आयोजित कर निर्देश दिए। लाडनू में महिलाओं ने मनाया उग छठ का पर्व। इस दौरान महिलाओं ने व्रत की कहानी सुनकर पति की लंबी आयु की कामना की। कोटा में एक डॉक्टर के साथ साइबर ठगों ने 50,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई। ठगों ने मोबाइल पर इलेक्ट्रिक बिल अपडेट करने के नाम पर मैसेज कर ठगी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारा के छबड़ा थर्मल में भाजपा नेता के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने थर्मल गेट पर धरना दिया। सीएसआर के तहत गांवों में विकास न कराने पर ग्रामीण नाराजगी जता रहे हैं। थर्मल अधिकारी और प्रशासन के विरुद्ध ग्रामीणों ने नारेबाजी की। सिरोही के शिवगंज में मूसलाधार बारिश से जवाई नदी में पानी की आवक होने से किसानों और शहरवासियों में खुशी छाई। शहरवासियों ने नारियल फोड़कर पूजा अर्चना की। जवाई नदी के बहाव का नजारा देखने के लिए लोग भी काफी उमड़े। सिरोही के टाकरिया में ग्यारह चोरों ने मंदिर के दान पात्र को निशाना बनाया। लोगों के पीछा करने पर दान पात्र छोड़कर चोर भाग गए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नागौर के अजमेरी गेट इलाके में कब्रिस्तान के पास की भूमि के गलत तरीके से पट्टे बनाने का मामला। मुस्लिम समाज के लोगों ने मौन प्रदर्शन करते हुए नागौर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के रूपनगढ़ में केरल से मक्का मदीना पैदल जा रहे शिहाब चतुर को देखने उमड़े सैकड़ों लोग। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिहाब चतुर का जगह जगह स्वागत किया। जयपुर के नांदरी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक की मांग को लेकर छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। स्कूल में अंग्रेजी का अध्यापक लगाने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाइश की। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलाल जाट बारा पहुंचे कृषि उपज मंडी के किसान भवन में। किसानों की बैठक ली। प्रदेश की 2 परियोजनाओं को राष्ट्रीय नहर परियोजना का दर्जा दिलवाने की मांग की गई। हनुमानगढ़ में सामाजिक संगठन अमन इंसाफ कमेटी ने एसडीएम भादरा को सीएम के नाम जालौर मामले में ज्ञापन सौंपा और 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। पीड़ित परिवार को साथ ही दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की गई। दरअसल डीडवाना में राजकीय बांगड़ कॉलेज में एनएसयूआई के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रथम वर्ष में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को प्रवेश देने की मांग की। वहीं कॉलेज आयुक्तालय के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। झुंझुनू में भीम आर्मी स्टूडेंट्स फेडरेशन ने जालौर मामले को लेकर विरोध किया। जिलाध्यक्ष प्रदीप चंदेल और युवा मोर्चा अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। मृतक बच्चे के परिवार को मुआवजा और दोषी अध्यापक को कड़ी सजा देने की मांग की गई। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र में गोल गांव के पास सोम नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाले युवक का शव मिल गया है। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर युवक के शव को बाहर निकाला। मृतक युवक की पहचान ब्यावर निवासी के रूप में की गई है।
डूंगरपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जालौर मामले को लेकर प्रदर्शन किया। बीवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की, दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधिकारियों और थानाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एसपी राशि डोगरा ने जिले में कानून व्यवस्था और आपराधिक मामलों की समीक्षा की। डूंगरपुर के चित्री थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन बाबा रामदेव मंदिर को तोड़ने का मामला सामने आया। घटना के बाद से बुनकर समाज में रोष है। समाज के लोगों ने गालियाकोट एसडीएम कार्यालय पर आक्रोश जताया। जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में रिमझिम बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी। वहीं अच्छी बारिश से फसलों को काफी फायदा होगा। मकराना में भीम आर्मी के नेतृत्व में जालौर मामले को लेकर उपखंड अधिकारी जेबी बैरवा को ज्ञापन सौंपा गया। जिला भीम आर्मी के महासचिव हीरालाल मेघवंशी मौजूद रहे। चूरू के जयपुर रोड जोधपुर विद्युत वितरण निगम विभाग में किसानों ने ज्ञापन सौंपा। किसान नेता निर्मल प्रजापत कामरे ने बताया कि दिन में 6 घंटे पूरी बिजली दी जाए। चूरू मेडिकल कॉलेज में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर स्टाइपेंड का भुगतान कराने की मांग की। साथ ही अन्य मेडिकल कॉलेजेस की बजाय स्टाइपेंड कम मिलने पर नाराजगी भी जाहिर की। रावसर राजकीय चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार के मामले में कार्रवाई की मांग उठी। आक्रोशी चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ कामकाज छोड़कर धरने पर बैठ गए। झुंझुनू में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गांगिया सर के मनोज स्वामी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास के आरोप में वे जेल में बंद है। ब्यावर में बस के चालक ने लापरवाही से ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण ट्रेलर की केबिन में बैठा खलासी उछलकर नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। श्री विजयनगर के ग्राम पंचायत 41 जीबी के पंचायत मुख्यालय के पास बने राजकीय स्कूल का नवनिर्मित भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। भवन में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा के आसपास ग्रामीण इलाकों में 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते जिले का सबसे बड़ा वेस्ट बनास बांध ओवरफ्लो हो गया है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। भीलवाड़ा के खेराबाद में वानर की मंदिर में बालाजी की प्रतिमा के पास मौत हो गई, जिसके चलते ग्रामीणों ने बंदर की काजी बाजी के साथ अंतिम यात्रा निकाली। इस दौरान ग्रामीणों ने पुष्प और गुलाल की बारिश भी की। डीग में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने शिविर का औचित निरीक्षण किया। डीग के वार्ड नंबर 6 में शिविर में खाना पूर्ति देखने को मिली। पट्टों की संख्या कम जारी होने पर आयुक्त ने नाराजगी जताई है। नागौर के लादू में छपारा गांव में लंपी से पीड़ित आवारा गोवंशों का उपचार किया गया। राजकीय अस्पताल के सहयोग से करीब 80 गोवंशों का उपचार उन्हें दिया गया है। नागौर कलेक्टर के अभियान प्रकाश के तहत गणपति नगर की राजकीय स्कूल में विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। स्कूल स्टाफ ने भामाशाहों का भी आभार जताया। डूंगरपुर के राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की ओर से शिक्षकों की मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। मांगों को लेकर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पाली में नगर परिषद के वार्ड संख्या 23 के वार्ड वासियों ने नगर परिषद आयुक्त कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। वार्ड में विकास से ना होने का आरोप लगाया गया। पाली में भीम आर्मी संगठन के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। जालौर में दलित बच्चे की मौत के मामले में आरोपी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पाली में कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए। पाली में राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। पाली के शहीद भगत सिंह आवासीय कॉलोनी में अस्थायी पुलिस चौकी की मांग। क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया।